हेलो गाइज, तो इस वीडियो में हम स्टंप का डिज़ाइन कटिया में क्रिएट करेंगे। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं इस पार्ट का बेस क्रिएट करने जा रहा हूँ, जहाँ पे हमें सर्कल दिया गया है। तो मैं टॉप लेंथ सेलेक्ट करता हूँ और हमें सर्कल का डायमीटर दिया गया है 110 mm, और इसका पैड वैल्यू हमें दिया गया है 80 - 60 यानी 20 mm, और इसके टॉप फेस पे 4 mm का एच पी एल भी देना है। तो हमें इस टॉप फेस पे यहाँ पे ग्रूव भी दिया गया है, जिसका रेडियस हमें दिया गया है 10 mm। तो मैं इस ग्रूव का स्केच ड्रॉ करने जा रहा हूँ। तो मैं इस यहाँ पे इसका हाफ स्केच ड्रॉ कर रहा हूँ, रेडियस है 10 mm। तो हमें इस ग्रू का डायमीटर दिया गया है 80 mm, लेकिन हम हाफ स्केच ड्रॉ कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 40 mm, और ये लेंथ हो जाएगा 10 mm। तो अब मैं यहाँ पे ग्रू कमांड यूज करूँगा और इस प्रोफाइल को सिलेक्ट करूँगा और एक्सिस में वर्टिकल एक्सिस सिलेक्ट करूँगा, और हमारा ग्रू का पोर्शन क्रिएट हो गया। तो अब मैं यहाँ पे टॉप पोर्शन क्रिएट करने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं टॉप पोर्शन का हाफ स्केच ड्रॉ कर रहा हूँ। तो आप इसके डायमेंशन ड्राइंग में देख सकते हो। तो इसके बाद आप देख सकते हो हमारा टॉप पोर्शन का प्रोफाइल ग्रू के सरफेस पे यहाँ पे टच हुआ है। तो इसके लिए मैं ये एंड पॉइंट ग्रू के सरफेस को कोइंसाइड कर रहा हूँ, ये हो गया कोइंसाइड। इसके बाद हमें टॉप प्रोफाइल का डायमीटर दिया है 60, लेकिन हाफ स्केच के लिए हो जाएगा 30, और यहाँ पे हमें 10 mm रेडियस का कॉर्नर भी देना है। तो ये हमारा स्केच कंप्लीट हो गया। तो मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा शाफ्ट कमांड और ये टॉप पोर्शन क्रिएट करूँगा। तो इसके बाद हमें इस पोर्शन में एज फिलेट देना है 10 mm रेडियस का। तो मैं इस एज को सिलेक्ट करता हूँ और 10 mm का एज फिलेट देता हूँ। इसके बाद टॉप पोर्शन में भी 2 mm रेडियस का एज फिलेट देना है। तो हमें इस टॉप सरफेस पे 6 होल क्रिएट करने हैं। इसके लिए मैं होल कमांड सिलेक्ट करता हूँ और इस फेस को सिलेक्ट करके पोजिशनिंग स्केच करता हूँ। तो ये हमारा होल का पॉइंट, तो आप देख सकते हो हमें 44 mm डायमीटर का सर्कल यहाँ पे क्रिएट करना है। तो मैं रेफरेंस एलिमेंट ऑन करके ये सर्कल क्रिएट कर रहा हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे 2 एक्सिस भी क्रिएट कर रहा हूँ, जो हमें यहाँ पे एंगल देने के लिए काम आएंगे। तो हमें यहाँ पे एंगल दिया गया है 60 डिग्री का। सिमिलरली दूसरे साइड में भी 60 डिग्री। तो इसके बाद मैं इस होल के पॉइंट को इस एक्सिस पे कोइंसाइड करूँगा। और ये हमारा पॉइंट कोइंसाइड हो गया। तो अब हमें यहाँ पे डायमीटर देना है। हमें यहाँ पे डायमीटर दिया गया है 10 mm और उसका डेप्थ दिया गया है 70 mm, और हमें आप नीचे की स्केच में देख सकते हो हमें वी बॉटम दिया गया है, इसलिए मैंने बॉटम में वी बॉटम सिलेक्ट किया है, और ये हमारा होल क्रिएट हो गया। तो हमें ऐसे और 5 होल चाहिए। इसके लिए मैं यहाँ पे सर्कुलर पैटर्न का यूज़ करूँगा। तो मैं कमांड को सिलेक्ट करता हूँ, पैरामीटर्स में कंप्लीट क्राउन
इंस्टेंसेस में टोटल 6। इसके बाद ऑब्जेक्ट में इस होल को सिलेक्ट करता हूँ और रेफरेंस एलिमेंट में इस टॉप सरफेस को सिलेक्ट करता हूँ और हमारा 6 होल क्रिएट हो गए। तो इसके बाद हमें बीच में भी होल क्रिएट करना है, तो मैं होल कमांड सिलेक्ट करता हूँ और हमें डायमीटर दिया गया है 20 mm और उसका डेप्थ है 70 mm और उसका बॉटम है वी बॉटम। इसके ऊपर और एक होल है जिसका डायमीटर है 22 और उसका डेप्थ है 2 mm। और इसके साथ ही हमारे सम कट डिज़ाइन कंप्लीट हो गया। तो सबसे लास्ट में इस सम डिज़ाइन का मैं आपको कट सेक्शन दिखा देता हूँ। तो मैं ये प्लेन सिलेक्ट करके स्केचर में जाता हूँ और यहाँ पे विजुअलाइजेशन में कट पार्ट बाय स्केच प्लेन को सिलेक्ट करता हूँ, तो आप ये कट सेक्शन देख सकते हो। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।